प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा इकाई का उप निर्देशक शिक्षा निरीक्षण जिला कांगड़ा द्वारा प्राथमिक पाठशालाओं के निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक वर्ग से दुर्व्यवहार करने व मानसिक प्रताड़ना करने के विरोध में कार्यकाल प्रांगण में छठे दिन भी किस्मिक अनशन जारी है। गैर शिक्षक संघ के जिला कांगड़ा के अध्यक्ष संदीप पठानिया ने भी प्रेस को दिए वाक्यात में साफ तौर पर कहा कि सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि ये धरना जो है वो धरना तो 17 तारीख को हुआ था, जिसमें शिक्षकों ने भाग लिया था और उसके बाद हमने सरकार को थोड़ा समय दिया था, 22 तारीख की सरकार इनके तबादले, दोनों अधिकारियों के तबादले जो है वो कर दे, अन्यथा 23 से हम जो है वो एक क्रमिक अनशन जो है वो शुरू करेंगे और उसी पर हम 23 से क्रमिक अनशन शुरू है और आज हमारा 6ठा दिन था और ये हमने जो प्लान किया है ये हमारा प्लान लंबे समय तक चलेगा। जब तक सरकार इन दोनों अधिकारियों का तबादला नहीं करती, प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा कभी भी पीछे नहीं हटेगा और 1-2 दिनों में हमारी प्रदेश स्तर पर भी एक बैठक होने जा रही है और उसमें अन्य जिले भी हमारा सहयोग करेंगे, तो हम 1-2 दिन और देखेंगे। और हमने पिछले कल से आंदोलन को थोड़ा तेज कर दिया है क्योंकि पहले हमारा एक खंड के 4 या 5 लोग बैठते थे, अभी हम जो है वो पिछले कल से 2-2 खंडों को लगातार बिठा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का अनशन भी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा डिटेल से कि ये बींग जो निरीक्षण जो है वो बींग जो बना है, जो धर्मशाला में ऑफिस खुला है, इसमें 7 अधिकारी हैं टोटल और ये 2016 से शुरू हुआ था और 2016 से लेकर 2021 तक जो है वो लगभग 6 वर्ष जो है वो इसमें 3-4 हमारे निरीक्षण के उप निदेशक आए। उनके समय में कोई ऐसी वार्ता नहीं होती थी, वो जाते थे स्कूलों में, वो भी निरीक्षण करते थे, निरीक्षण में कमियां पाए जाने पर वो भी हमें सजेशन करते थे ताकि उसमें सुधार हो। लेकिन ये दोनों अधिकारी जब से ये पहले स्केतिया जी आए 2021 में, थोड़े समय लॉकडाउन था, जब से स्कूल खुले तो इनकी शिकायतें जो है वो आनी शुरू हो गई। और लेकिन इनकी पूर्व की हिस्ट्री की बात करूं तो हमारे लोग, हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं जो कि इनकी पूर्व की जहां जहां इन्होंने सर्विस किया उसकी व्यथा को भी बताएंगे, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर हमें कोई उनका प्रूफ नहीं मिलता तब तक हम एक बैठक नहीं करेंगे। लेकिन अगर कल या परसों 1-2 दिन में हमें पिछले इनके स्कूलों के भी प्रूफ मिलने जा रहे हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो उनमें भी बहुत सी इन्होंने वहां भी बहुत सी एक्सप्लेनेशन काल की लोगों की और वहां बहुत ही विवादित तरीके से ये हर जहां जहां भी रहे हैं, इनका कार्य प्रणाली ऐसी है। एक पूर्व में एक चढ़ियार शिक्षा खंड चढ़ियार में एक हमारे केंद्र मुख्य शिक्षकों की बैठक ली जो कि आधिकारिक तौर पर ये नहीं ले सकते हैं, हमारी आधिकारिक तौर पर बैठक लेने का अधिकार हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को होता है और उपनिदेशक जो प्रारंभिक है शिक्षा हमारे उनको अधिकार होता है, इनको कुछ अधिकार नहीं भी होते हैं, लेकिन ये अधिकारों को दरकिनार करते हुए अपनी शक्तियों का जो है वो दुरुपयोग करते हुए ये हम चीजों को प्रताड़ित करते हैं और खासकर हमारी बहनों को भी ये बहुत उनके ऊपर भी काफी छींटाकशी करते हैं, तो बहुत सी शिकायतें रही हैं पूर्व में। तो अब प्राथमिक शिक्षक संघ ने ठान लिया है कि हम इन्हें सहन नहीं करेंगे और इनकी इनके दुर्व्यवहार की हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और कड़े से कड़ा विरोध करते हैं। और जब तक सरकार, हिमाचल सरकार के हम ऋणी हैं क्योंकि हिमाचल सरकार ने हमारे शिक्षक साथियों को या कर्मचारी वर्ग को ओपीएस का लाभ दिया है, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों को हटाने के लिए भी सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे इस बात, इस अनशन के ऊपर ध्यान दे। और हमारा अनशन सरकार से यही हम अनुरोध करेंगे, हमारा अनशन तभी खत्म होगा जब ये दोनों अधिकारी यहां से हट जाएंगे, अन्यथा हम आगे आगामी कदम उठाने के लिए भी विवश होंगे। इसके लिए जो भी जिम्मेवार होगा वो सरकार होगी अगर सरकार ने इनको यहाँ से नहीं हटाना है। भाई नतीजावाद के बारे में मैं कहूँ तो कुछ स्कूलों का निरीक्षण ये साल में 10-10 बार कर देते हैं और कुछ स्कूलों तक ये जाते नहीं, हमें तो ये शक है जिन स्कूलों में नहीं जाते वहां कोई ना कोई इनकी सांठगांठ है, तो ऐसे अधिकारियों को जिला से तुरंत हटा देना चाहिए और दूसरे जिला में भेजना चाहिए। बड़ी बात आपकी तरफ से कही गई है कि अगर हमारी बात की जो सुनवाई नहीं होती तो इससे भी उग्र आप कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ रूपरेखा उसकी रहेगी? अभी हमारा 24 घंटे का अनशन चल रहा है, 3-4 दिन हमने और सरकार से हमारी वार्ता भी हो रही है, कुछ उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। अगर 4-5 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता है तो हम बैठक करके इस अनशन को हम 48 घंटे का करने जा रहे हैं, लेकिन ये प्राथमिक शिक्षक संघ है
इसमें 35,000 की संख्या हमारे शिक्षकों की, हमारे सदस्य जो है 35,000 है, ये ऑल इंडिया की बात करें तो 8 लाख है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा संगठन जो है वो काफी मजबूत संगठन है, वहां हमारी संख्या जो है वो करोड़ों में। तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार जो है वो इन दो अधिकारियों के लिए जो है वो इतने बड़े संगठन का जो है वो अनादर ना करे और हमें जो है वो जल्द से जल्द जो है इनसे छुटकारा दिलाए। 6 दिन आपके धरने को लगातार चलते हुए हो गए हैं, क्या कुछ रिस्पांस आपको सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई ऐसा मैसेज जिसे आपको मिला हो? हाँ, विभाग की तरफ से एक वार्ता के लिए हमारे निदेशक महोदय ने उपनिदेशक महोदय के माध्यम से बात रखी थी कि इनकी आपस में बात करवाइए, तो हम उसके लिए भी हम चले गए थे। उपनिदेशक महोदय ने हमें जो है वो 22 तारीख को बुला लिया था कि आप आओ, वार्ता हम बात करना चाहते हैं। तो जब हम, मैं और जिला अध्यक्ष महोदय, हम वार्ता के लिए गए हम उपनिदेशक कार्यालय में, तो हम लोग तो वार्ता के लिए सहज थे कि हम वार्ता के माध्यम, पहले भी हमने 3-4 वार्ताएं की है इनके साथ, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है। फिर भी हम, अगर विभाग ने चाहा तो हम विभाग की बात को स्वीकारते हुए हम गए, लेकिन ये महाशय जो आए, इन्होंने उस दिन हमारे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा का फोन 1 घंटा लगातार नहीं उठाया, तो फिर वार्ता किससे करनी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ताराशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, ताराशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नूरपुर से आपका फैसला के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट।